तब, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। मैं पराग अग्रवाल सभी जनपद वासियों को, नगर वासियों को दीपावली गोवर्धन में भाई दोस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कृष्णा एजेंसी बुलंदशहर से नमकीन बिस्किट और हरीश बेकरी बीकानू नमकीन, मेरे पास ये काम है। और दीपावली सबके जीवन में खुशियां, बहुत बहुत खुशियां लेकर आए, सबको हर्षोल्लास करे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंका अत्री, महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर, आप सभी को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं ये बताना चाहती हूं, दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है जो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और त्यौहार हमारे देश में खुशियों का ही प्रतीक होते हैं, जिससे समाज में भाईचारा बढ़ता है, अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है और हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दीपावली का त्यौहार मनाएं। और पटाखों के बारे में कहना चाहती हूँ, पटाखे खरीदने पर छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बैन लगा चुका है, तो इसलिए बच्चों को पटाखे से दूर रखिए। जितना कम हो सके, कम से कम यदि बच्चे ना माने तो उनके साथ रहकर ये पटाखे छुड़वा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है, कई तरीके की बीमारी होती हैं जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है और उससे कई तरीके की बीमारियां होने के बाद हमारे समाज में काफ़ी वैसा माहौल उत्पन्न होता है जिससे लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए फिर से मैं कहना चाहूँगी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, खुशी खुशी दीपावली मनाइए, हंसते खेलते मुस्कुराते। नमस्कार। केआर होटल परिवार की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को दिवाली, धनतेरस, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड